मिले पहले इंसान ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि जो नफरत की जो भावना थी वो खत्म हो जाए। 30 मैसेंजर हैं, एक अमन का पैगाम ले जाने वाले लोग हैं, इनको ले लो। स्वामी जी वहाँ से आ रहे थे, स्वामी जी की कल डिलीवरी से बात हुई, यहाँ सबसे स्वामी जी की बात हुई, तब ये पूरे तरीके से दोबारा यहाँ पहुँचे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमने ये तय किया था कि मुजफ्फरनगर जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे। कोई कहता होटल में बैठेंगे, कोई कहता है कहीं, हमने कहा नहीं, शुरुआत हम मस्जिद से करेंगे। पहले तुमने शुरू किया कि पहले तुमने शुरू किया, किसने शुरू किया, शुरू हुआ, अगर शुरू हुआ किसने किया, हम सबको मिलकर करते हैं। अगर हम बदले लेंगे, कितने बदले लेंगे, तो बदले नहीं लेने, आज हमको खुद को बदलना है। जहाँ पर मस्जिद के पवित्र प्रांगण में स्वामी जी जैसे इमाम साहब जैसी शख्सियत हो कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें, यो तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये गन्ना प्रदेश है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, ठीक यहाँ की शक्कर जाती है, यहाँ की मिठास जाती है, तो गन्ना प्रदेश को भेड़ा प्रदेश नहीं बनाना चाहिए। भड़ास निकाल सकते हैं लेकिन भड़ास निकालने से कभी मिठास पैदा नहीं होती। और अगर हमको इस प्रदेश का विकास करना है, प्रदेश की भलाई इसी में है, विकास के रास्ते इसी में है कि हम एक मिठास और मोहब्बत का संदेश दें। इसके आइए, इसके लिए मिलकर आगे बढ़े, हाथ से हाथ मिलाएं, दिल से दिल मिलाएं। कई बार हाथ तो जुड़ जाते हैं लेकिन दिल टूट जाते हैं। आप दिलों को तोड़ने के लिए, उस दर्द को महसूस करने के लिए, उस फर्ज को अदा करने के लिए, उस कर्ज को चुकाने के लिए, इस मर्ज को मिटाने के लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। और इसके लिए कोई अकेले नहीं, हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। मानव एकता जिंदाबाद।